माफ कर दे, बोले आखिरी गलती थी मेरी, आखिरी गलती माफ कर दे, मैं तेरा पैरा पकड़ू उन्हें पकड़ू मतलब लक्षण है। एक बार मैं शुरू शुरू में मैंने उसकी मामी के साथ पकड़ा हूँ, वो भी मैसेज उसने गंदे गंदे भेज रखे, तब मैंने तो उसके अंदर इतने गंदे मैसेज लिख रखे थे, उसने आपस में बातचीत करी हुई थी। बात करा इन दोनों बहना की, बरवाड़ा के 15 वार्ड का मामला है, लगातार आप देखने भी लग रहे हो भी। ईब की अगर जे बात करा तो कुछ सबूतों का साथ और कुछ बातों का साथ अभी जो बड़ी बहन है वह कहने लग रही है भी कुछ जो है उसने सबूत जो है वे मिले हैं अपने पति के खिलाफ, तो के सबूत हैं वे सबूत? एक बार तो जी मैंने कड़ा मिला है, लड़की का कड़ा था, वो नुबला यो कड़ा मेरा है, मैं नुलियो तो लड़की का कड़ा है दो, तो भी उसने ना उसका था फलाने था, नू ये टाल दी उसने बेफालतू, बोला नू था रोन लग गया, गलती होगी आज के बाद कोई नहीं करूँ, नू को नहीं करूँ, फिर भी मैंने मतलब माफ़ कर दिया, बोला आखिरी गलती थी मेरी, आखिरी गलती माफ़ कर दे, मैं तेरा पैरा पकड़ूँ नू पकड़ूँ, मतलब कोई बात नहीं, मैंने मेरे घर कैसे भी कोई बताई, मैं ठीक है, बोला मैं सुधर जाऊँगा, मैं ठीक है। फिर 2-3 महीने वो सही रहा, भाई ठीक है भाई, थोड़े दिन सही रहा है, फिर उसके ये लक्षण है। एक बार मैं शुरू में मैंने उसकी मामी के साथ पकड़ा हूँ, वो भी मैसेज उसने गंदे गंदे भेज रखे, तब मैंने देखा मेरी खुद की मामी के साथ, हाँ खुद की मामी के साथ मेरी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरी बहन है, मैं बहन ये किसके मैसेज है, बोले तो मामी के, इतने गंदे गंदे मैसेज तो आपने बता कौन सकती मैं, तब मैंने पता चला भी मामी के साथ भी है, खुद की मामी के साथ। हाँ हाँ भाई, उसकी मामी भी जिस तरह ज्यादा उम्र की कौन है, जिस तरह भाई महाराज जिस उम्र की ठीक एज है उनकी, भाई उसके साथ उसके, इसने तो पढ़ना को नहीं, इसने कुछ को नहीं पता, उसने कहा भी मैं कुछ भेजू हूँ नू है वो है, मैं तो वैसे ही, फिर वो बाथरूम में गया, इसने मेरे तो फ़ोन ला के दिया, बोले तो देखिए ये किस तरह के मैसेज, कई देर हो गए इसने ला के, फिर मैंने इस तक पढ़ के सुनाया तो उसके अंदर इतने गंदे मैसेज लिख रखे थे, उसने आपस में बातचीत करी हुई थी। वो जो मामे सास थी आपकी, जो उसकी लड़के की मामी थी, वह भी बातचीत करी करती थी? हाँ नहीं, वो भी करा, वो भी उसके मैसेज इसके पास आ रहे थे, रात के थे वो मैसेज, जिस तरह रात से स्टार्ट हो रही, वो दोपहर में फेर करना स्टार्ट हो गया, और सारे मैसेज मैंने इससे पढ़ के सुनाए हुए सारे जितने भी थे ऑल टोटली। तो उसके बाद जो ये मामी का साथ अफेयर था ये खत्म हो गया था या अब भी चलन लगा? हमने कही थी अब बात, वो तो मामला को नहीं पता भाई, खत्म हो गया उस लड़की का साथ है, अभी मैं जदूर से कह इसने, मैं बहन से बता, मैं तो कह कौन सका माँ, मामी के लिए भी माई से लाग रहा काम, मम्मी तो एक किस्म की माए हुआ है, मैं मम्मी और सभी कहा, फिर इन धमकाई दम कोई करी, फिर वो तो मैंने को नहीं पता वो कर रहा है कि कौन करा भाई, मतलब एक के साथ नहीं कईयों के साथ, आप कई के साथ उसका फेयर रहता है, बीच में एक बार पहले भी मैंने कोई भाई, इसने तो इतना पता को नहीं के कर रहा है कुछ को नहीं, इसने मैंने पता को नहीं, मैं पढ़ू मैंने एक बार पहले भी मैंने खुद वो भी एक कोई उसका लड़की थी, उसका चेह हमेशा चेंज ही करता रहा वो, आज कोई नहीं पकड़ी आज कोई, अब किस किस ने पकड़ा मैम, उसका यो चक्कर है वो भी, उसने मैंने खुद इस तरह नाम तो याद होगा मन, के नाम था उस लड़की का, कीर्ति नाम था उसका, साथ भी काम करा है उसका, वाह लड़की मान, दोनों ने धमकाई है, मैंने भी खुद उसका डांट लगाई है, मैं बोली मैं तेने शर्म को नहीं आंदी, वहाँ नू तो देख ले भी तू, ये बाल बच्चा वाला मैं तू के कर लाग रही है, बोले ये खुद ही बात करे मेरे से है, इसमें खुद आके तम देख लो, यो नू करा है इस भाई, ये खुद मेरा घर आ है नू करा है वो करो, उसने भाई सारा कुछ खुलासा करा है, फिर मेरी बहन ने कहा है कीर्ति फिर छोड़ दी थी या कीर्ति भी अभी पता कौन जी, मैंने छोड़ दिया ना, छोड़ उसने छोड़ दी कौन छोड़ दी, वही मैंने कहा तू तुम्हारे भी नंबर बदल के बात करे या पता कौन भी, वो तो अभी कीर्ति तो ब्याह दी मेरे से, तो नहीं कहा है बीच की तो शादी कर दी, मैं तो मैं उसके लिए क्यों है कौन सो बाल बच्चे वाली नु है फलानी है, मानो को नहीं पता भी किन से का साथ है, पता मैं आज तक वो मैंने पकड़ा है हर सबूत पे पकड़ा है ये, वो इसलिए उसने मेरे चोट लगाई है भैया है भैया बतावा इसकी बहन ने, भी मैं मोबाइल उसका पकड़ लूं तो मैं इसका साथ लेके जाऊं भाई, बहन इसने पढ़ के बता यू के है भी 12 बजे लग मास मैसेज कर था यू रात ने, तो मैं इसने सुना फिर यार पढ़ के सुना भाई ये मैसेज भेजे इसने, इसीलिए आप टारगेट बना, हाँ भी इसलिए वो मेरा भी चोट आज पहली बार को नहीं करा, हर बार वो इस तरह ही करा, मतलब आपके साथ हमेशा ही आप टारगेट पे हो, हाँ भी मेरी उसके हमेशा झगड़े चलते ही रहे, लड़ाई होगी इसके साथ मारकूट करेगा मेरे साथ हमेशा ही करा, वो भी तेरा इसी जगह लाग जाए ना भाई, मैं तेने मारना ही चाहूँ भाई, मारी बिगन की जड़ तू है, इसने तो मैं अपने आप देख लूंगा, मैं जो अपनी बहन को का घर बचाने लग रहे हो और सच्चाई बताने लग रहे हो बहन ने, तो ये आप मतलब गलत करने लग रहे हो, हाँ मेरी सासू भी नुगा या है भाई बिगन की जड़, क्या तो इसने परा काट दो भाई, बिगन की जड़ यही है तारा भाई सब, इसलिए वो मेरा हसबैंड ने भी वो इसका हुआ है भैया ये तेरा घर को नहीं बसा हुआ है, या नू पढ़ी लिखी है या चालू है तने बेच के खाजगी नू है वो है इस तरह के, अब वो कुछ बोलता को नहीं, वो बस सबकी सुने जावे है जिस तरह का उस तरह ही कर ले।
जे अब की बात करा तो मुद्दा जो है आपका कई दिन हो गया, अब चल देना लास्ट में अपील के करना चाहोगे प्रशासन से? जी हम तो यही चाहवा हाँ भी मारे सुतरी तरह घर बस जावे, भाई माम भी कौन चाहते मारे छोटे छोटे बच्चा के भी बिना बाप के, जो माम तो जिए रहे हैं हमारा छोटा माम, बिल्कुल मैं 2 साल की थी जब मेरा पापा गुजरा था, माने इस बात का एहसास है कि बाप के चीज़ होवे, लेकिन उन बात उन्हें बच्चा से तो कोई मतलब को नहीं है। माम यही चाहवा भाई हमारा घर सुतरी तरह माने मिल जावा, माम बस जावा, और जो माने ना ही बसन दोगे भाई नुका जहर के टिक्के लगाऊंगे नू लगाऊंगे, तो माम नू ये चाहवा भाई माम हमारा फैसला करवा के भाई माम कोई किराए पर रह जावा हैं, जे माने सही तरह भाई अगले कहोगे जे माने सरकार हमारा साथ देगी, प्रशासन माने इस बात की तसली देगा हाँ भाई माम तारा घर बसावांगे हैं, ये वो खुद ना उठेगे तो माम उनसे के अपील करांगे, जे यही उनके वो रही प्रशासन तय। आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँ जी माम तो दोनों बने की यही फैसला है भी जाना तो हमारा घर ही चाहवा, क्यों खुद घर बना रखे हमने छोड़ना नहीं चाहते घर को, फिर वो धमकी देवा भाई टिक्के लगा देंगे मार देंगे तो हमने जान से मार देंगे बिग जोर से, फिर मामला डर है जी उड़े फिर डर है हाँ कर भी देंगे भाई कर देंगे जो काम आज कूट दी मेरी बहन भी कूट दी मेरी मम्मी भी कूट दी तो मामला मार भी सका है वो।